भाई भाई स्नोफॉल मिल रही है भाई भाई। आगे मीटर चलाना पड़ रहा है, एक तो गीले हुए इतना ही भी वाटरफॉल पे इसलिए और लग रही है। पर यार कितना अच्छा व्यूज था, कितने अच्छे अच्छे शॉर्ट्स हैं यार आपके लिए, देखना देखा होगा आपने। प्लीज़ यार आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें यार। आप लोग कमेंट नहीं करते, बस एक ही आपसे सब एक इस बार बोल रहा हूँ कमेंट की नहीं। मैंने आज तक इतने ब्लॉग बना लिए 400+, पर मैंने आपसे कभी नहीं बोला, प्लीज़ इस पर जरूर कमेंट कर दें। गाइस हल्की हल्की स्नोफॉल हो रही है, बिल्कुल हल्की हल्की, देखो आपको वीडियो में दिख रहा होगा, देखो गौर से देखो यार हम कितने लकी हैं यार भाई भाई स्नोफॉल मिल रही है भाई 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 हम लकी हैं क्या बात है यार, हमारा हिस्ट्री हो रहा है आज इधर ही। क्या यार भाई स्नोफॉल मिल रही है गाइस, यार हम लकी हैं यार। क्या गगन भाई गाइस ये देखो यार स्नोफॉल मिली है यार, हम कितने लकी हैं यार। अरे यार गाइस देखो कितना प्यारा नजारा ये देखो यार, अरे यार गजब। गाइस ये देखो स्नोफॉल हो रही है अभी भी यार, यहाँ पे मैं यही तो कैंपिंग करने वाला हूँ, मैं यही तो टेंट लेके आया हूँ, यही के लिए तो लाया हूँ अपना टेंट, यही तो व्यू दिखाना है मेरे को तुम्हें टेंट में, बढ़िया खाना वाना बनाएंगे यही, देखना तो। देख रहे हो गाइस स्नोफॉल हो रहा है साथ में, क्या व्यू है। हाँ गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने होटल पे, तो ये मेरे पीछे जो देख रहे हैं वही मेरा होटल है, तो आलियास मेरा होटल का नाम है, तो ये है मेरा होटल, तो चलते हैं अंदर, तो चलते हैं अंदर और आपको अब दिखाते हैं अंदर से अपना रूम टूर कराते हैं। ये भी हमने व्यूज वाला लिया है पीछे, अच्छा बहुत अच्छा व्यूज है आप लोगों के लिए। तो ये है मेरा रूम, तो यहाँ से ये देखो ये भाई लोग बैठे हैं, ये अपना रूम दे रहे हैं आपको, और ये है अपना वॉशरूम, और ये है जन्नत बोले क्या बोले हम, जन्नत ये स्वर्ग है, जन्नत नहीं स्वर्ग है। देखो इतना फॉल हो रही है सामने, ये देखो व्यूज है व्यूज भाई, रूम ऐसे लो कम से कम व्यूज तो दिखे यार, जब आए तो पूरा फुल फायदा लो। देखो स्नोफॉल हो रही है, देखो आप लोग देख सकते हैं भाई, मैंने रूम ऐसा लिया है कि व्यूज भी दिख रहा है, रूम भी अच्छा है और बहुत पाच है। देखो सामने जो एक्टिविटी हो रही है ना, देखो आपको जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ एक्टिविटी वाला है, तो यहाँ भी चलेंगे भाई। स्नोफॉल देख रहे हो, मैं आ चुका हूँ बाहर रील बनाने के लिए, रील बना रहा हूँ साथ में, देखो यार स्नोफॉल कितना गजब हो रहा है यार, देख रहे हो यार, ओ फील किया जा सकता है इसको, बस फील किया जा सकता है, शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। तो गाइस अब हम जा रहे हैं अपने रूम में, यार ठंड लग रही है बहुत
तगड़ी वाली स्नोफॉल हो रही है अब तो, देखना बुखार आ गया, बुखार आ गया, देखो हालत खराब हो रही है, तो इसीलिए चलते हैं रूम में और चाय पीते हैं फिर। गाइस मेरे होटल के बाहर, ये मेरा होटल, ये देखो ना, अरे यार क्या खतरनाक, ये देखो पूरा यार हटा दो। गाइस भैया ले आए चाय, घंटे बाद चाय आई है भाई, इतनी वेटिंग लगी हुई होटल में भाई, ठंड लग रही है यार खतरनाक भाई, पूछना है देखो हालत खराब है भाई, दो कंबल में ठंड लग रही है, जैकेट वैकेट में, माइनस टेम्परेचर, -3 या -4 टेम्परेचर भाई, कभी जीरो डिग्री है, जीरो डिग्री यहाँ पर, मैं अभी आप चेक कर माइनस में, हमें अभी चेक किया है देख। फाइनली गाइस आ चुका है हमारा डिनर, पर एक चीज बताऊ ना गाइस, लिटरली बता रहा हूँ, मतलब सच बता रहा हूँ यार, इतनी ठंड पड़ रही ना यार गाइस, कपी जा रही है बस, अपनी लैंग्वेज में बोला तो फट रही है बस, मान लो एक तरह से। ये देखो गाइस खाने में मंगाया मैं दाल, पनीर की सब्जी, रोटी, तो भाई लोग खा रहे थे, वो कंबल से निकल भी नहीं रहे थे वो लोग, तो मैं देखना जैकेट पहन के सोऊंगा भाई, मुझे तो ठंड लग रही है खतरनाक। हेलो गाइस वेलकम बैक शेफ ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो हम रुके यहाँ सीसू, तो सुबह सुबह उठ गए, उठने के बाद हम आपको देखो व्यूज दिखाते हैं बाहर का, धूप निकल आई है, कल ठंड थी -10 तक चला गया था टेम्परेचर रात को, और अब देखो बिल्कुल धूप निकली हुई है, देखो प्रॉपर ये है हमारी बालकनी से व्यूज, तो आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा व्यूज आ रहा है बाहर। मेरी चाय भी आ चुकी है, तो मैं चाय पीता हूँ साथ में आपका व्यू को आनंद दिखाता हूँ बाहर निकल के। यार देखो पूरी सफेद चादर है चारों तरफ, अभी चलेंगे एक्टिविटी करने के लिए बाहर, तो जब तक अपन ब्रेकफास्ट करते हैं गाइस चलते हैं बाहर दिखाते हैं आपको देखो बाहर का व्यू। सबसे पहले ये देखो तुम, ये क्या है देखा, देखो इसे बोलते ठंड, साथ में चाय, और ये है यहाँ का व्यू आप लोगों के लिए, देखो है पूरा सफेद चादर, साथ में चाय, क्या बात है यार, मन कर रहा है एक घर मेरा भी होना चाहिए इस जगह कभी कभी आओ पिकनिक मनाने के लिए। तो भाई अभी होते हैं तैयार जाने के लिए, क्योंकि कैंपेनिंग करने जाना है इसलिए टेंट लगाना है, तो चलते हैं फटाफट से, क्योंकि फिर क्राउड हो जाता है उस जगह, टेंट नहीं लग पाता इसलिए। गाइस हो गए हम तैयार जाने के लिए, 3 प्लेस आपको घुमाने वाले हैं आज इस जगह, तो आप बने रहे मेरे साथ और देखते रहे शिप्रा ब्लॉग। तो पहला प्लेस अपना ये है, देखो आपको दिखा देता हूँ, फर्स्ट प्लेस ये है, यहाँ जा रहे हैं, यहीं टेंट लगाएंगे और यहीं वीडियो बनाएंगे बढ़िया, यहीं कैंपेनिंग करेंगे अपनी। तो भाई इस रूम को करते हैं बाय बाय, तो चलते हैं आपको व्यूज दिखाने के लिए, पॉइंट दिखाने के लिए। तो सबसे पहले जा रहे हैं हम मंदिर, मंदिर के बाद चलेंगे नीचे, यहाँ पे अपन को कैंपेनिंग करनी है, तो लेते हैं अपना बैग निकलते हैं। तो गाइस निकल चुके हैं मंदिर के लिए, तो सबसे पहले जा रहे हैं हम मंदिर दर्शन करने के लिए भोले बाबा के, तो ये है वो रास्ता जाने का, शीशु में ही है, अंदर है थोड़ा सा, तो चलते हैं और दिखाते हैं आपको मंदिर। जा रहे हैं तो गाइस ये टेंट हमारे चाचा जी ने लगा दिया है, अभी हम यहाँ पे मैगी वगैरह भी बनाएंगे एंड टेंट ही यहाँ पे लगा रहे हैं, इसको सही से सेट कर रहे हैं, और ये हमारे टेंट का अंदर का मामला, ये गजब, और यहाँ से हम व्यू भी ले सकते हैं इस जाली में से, देखो बाहर का व्यू भी दिख रहा है, हम यहाँ से व्यू भी ले सकते हैं,
गाइस फाइनली फिट कर दिया है मैंने अपना टेंट, तो अपन मैं अभी टेंट के अंदर हूँ अपने के अंदर। तो ये को आपको व्यूज दिखाते हैं सामने, देखो और ये निकले अपन टेंट में थे और ये आया सामने व्यूज खतरनाक वाला, देख रहे हो। तो यहीं अपन कैंपेनिंग करने वाले हैं पूरी, यहीं मैगी चाय वाय सब बनाने वाले हैं। तो बस आपको थोड़ा सा वेट करें, थोड़ा सेटलमेंट लगा लें, सामान लिया है वहां से निकाल के फिर बनाते हैं पूरा सामान। तो गाइस यहीं पास में रिवर है ब्यास नदी, तो उसके पास भी चलता है, आपको ब्यास नदी दिखाते हैं, तो मैं लेके चलता हूँ वहीं आपको। ये देखो, तो ये लगा मेरा टेंट, ये लगा ले टेंट, भाई लोग गए सामान लेने के लिए, तब तक चलते हैं अपन रिवर के पास, रिवर दिखाते हैं आपको। तो गाइस आ चुके हैं अपन रिवर के पास, दिखाते हैं आपको रिवर। देखो ये है वो रिवर, क्या मस्त रिवर है यार। देखो गाइस ये बैरी रिवर ब्यास नदी, यहाँ से ये हमारे माउंटेन्स। देखो हो रहा मेरा टेंट सामने लगाए, आप लोग देख रहे होंगे। भाई भाई लोग ले आए पराठा, तो अंदर बैठ के पराठा खाएंगे अपने बढ़िया तरीके से। तो अभी मैगी भी आ रही है, और ये है हमारी पहाड़ी की वादियाँ। तो पहाड़ी की वादियों में टेंट पे देख लो, ऐसा व्यूज नहीं मिलता है। थोड़ी सी गलती हो गई थी, गलती क्या हो गई कि यार एक बैग छूट गया घर पे, गलती जो हो गई यार, बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी। मिस्टेक क्या कर दी, घर पे यार बैग रह गया, उसी में पूरे बर्तन थे, सिलेंडर वलेंडर सब थे यार, क्या बताऊं। हाँ आ रहा हूँ यार, बड़ी मिस कर रहा हूँ यार उस चीज़ को यार, गलती ही हो, पता गलती कहाँ रह गई। इन्होंने क्या किया कि मतलब जब घर से निकले थे नोएडा से, उन्होंने एक ही रूम में रख रखा था पूरा सामान, और वो वाला जो बैग था वो किचन में रखा था यार, वो किचन में उन्होंने सामान रखा था ना, चीनी वीनी चाय वाला वहीं रह गया यार। अरे यार गाइस यार सॉरी, जाता हूँ आपसे, अब नेक्स्ट ट्रिप में आपके लिए पूरी कैंपेनिंग करके दिखाऊंगा यार। बैग छूट गया यार, सोनी यार तूने ध्यान नहीं दिया यार। कैसे भी खेल लो इसके साथ, बैठ गया मेरे पास आके, देख रहे हो। तो गाइस आप एक्टिविटी भी कर सकते हैं, तो ये 500 रुपये पर हेड लगते हैं चार्ज इसका, तो आपको काफ़ी देर चलाते हैं यहाँ से, आपको घुमाते हुए ऐसे घुमाते हुए पूरे रोड पर से आगे से घुमाते हुए इधर से उधर लेके आते हैं, मतलब कम से कम 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर घुमाते हैं भाई लोग। तो भैया से बात कर रहे थे, भैया यहीं रहते हैं, भैया का गाँव ऊपर है, बहुत अच्छे से भैया ने बताया क्या क्या पॉइंट घूमने। तो अभी चलते हैं आगे, आगे भी आपको घुमाते हैं। और कैंप तो अपना जो लगाया था टेंट, वो हमने फोल्ड करके रख दिया है, तो अभी चलते हैं फोटोशूट के लिए, रील वील बनाते हैं, तो मिलते हैं आपको। सेकंड पॉइंट हमारा यही था, थर्ड पॉइंट ऊपर चोटी पे एक मंदिर है बौद्धिस्ट का, तो वो दिखाएंगे आपको। तो आप आगे भी देखते रहें और फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो गाइस आप यहाँ भी जिप लाइन कर सकते हो, तो आप इधर से उस पॉइंट पर नदी पार करते हुए पहुँच जाओगे, और उसके बाद आप ऊपर जा सकते हो पूरा वहाँ तक, ऊपर तक वाटरफॉल देखने के लिए। तो अपन भी चलते हैं, देखते हैं कितना प्राइस है, तब पता चलेगी प्राइस के हिसाब से तब करेंगे अपन जिप लाइन। आ चुके हैं जिप लाइन करने के लिए, तो देखो यहाँ से स्टार्ट होगी और उस पॉइंट तक जाएगी, उसके बाद अपन ट्रैकिंग करते हुए ऊपर तक जाएंगे। पहले ट्रैकिंग वाले शूज़ नहीं पहन के आए, देखो मैंने यार ऐसे शूज़ पहन रखे हैं, थोड़ा दिक्कत हो सकती है। तो जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक तो जा ही सकते हैं, रील वील और फोटो तो खींच ही ला सकते हैं। तो 300 रुपये बता रहे थे अब इनसे पूछते हैं कितना है। और गाइस देखो ये भैया हैं, तो आप हम इनसे जिप लाइन कर रहे हैं, यहाँ से वहाँ तक जाएंगे, तो 300 रुपये तो टिकट है, अगर आप वीडियो बनवाते तो 200 रुपये, तो इस तरीके की वीडियो बना के देंगे आपको। देखो तो देखो प्रोफेशनली वीडियो बना के देंगे, और यहाँ से वहाँ तक जाएंगे, वहाँ फिर जाके अंदर तक खींचेंगे पूरा। तो मैं तो ले रहा हूँ, और मेरे साथ धोनी भाई भी ले रहे हैं, एक अंकल जी मिले हैं वो भी बना रहे हैं अपनी, तो हम चार लोग हैं, चार पाँच सब मिलाएंगे। गाइस देखो भैया से हम डलवा रहे हैं अपना हार्नेस, क्योंकि इसी के थ्रू अपन इस पर लटक सकते हैं। आपको मेरा नंबर आ गया है, तो अब मेरी बारी है। तैयार हो रहे हैं, तो मैं ऊपर से देखो शॉट।
सोलंग वैली, तो देखो आपको ऊपर दिख रहा होगा रोप वे, अगर रोप वे से आप जाओगे और पैराग्लाइडिंग करोगे तो 3500 रुपए, और पैदल पैदल जाओगे उसके बाद 1000 रुपए। तो वो रही पैराग्लाइडिंग, दिख रहे हैं आप ऊपर, वही है जो ग्रीन मैट है ना, ग्रीन मैट वहाँ से बिछ रहा है वहाँ से। अरे देखो 3500 में करोगे तो ऊपर से, और 1000 रुपए में करोगे नीचे, दिख रहे हैं ग्रीन ग्रीन से, और ग्रीन से लेकर नीचे तक और यहाँ तक ही है, ये 1000 का है। गाइस मैं जा रहा हूँ फिर पैराग्लाइडिंग करने के लिए, और मैं करूँगा छोटी वाली क्योंकि हमारे पास समय कम है इसलिए, क्योंकि हमें निकलना भी है इसलिए, और उसको करने में बता रहे थे कि 1.5 घंटे में आपका नंबर आएगा, इसको करने में अभी तुरंत नंबर आ जाएगा, तो इसीलिए मैं ये वाली करने जा रहा हूँ। तो चलते हैं और करते हैं अपनी एक्टिविटी, इंजॉय करते हैं पूरी। है देखो ऑफिस, पूछते हैं आ जाके ऑफिस में कितना चार्ज लगेगा ये पूरे पार्क एक्टिविटी करने के लिए। ऊपर वाला 3500 में जो ऊपर होगी ये 1000 है भाई, 1000 वाली नहीं होगी, 1000 वाली इसलिए नहीं होगी क्योंकि मेरा बॉडी वेट ज्यादा है इसलिए यार, वो बोले 3500 वाली होगी, उसमें टाइम लगेगा काफी। अबे यार चला फिर क्या करें। तो गाइस हम निकल चुके हैं यार, उनके पास 6 पायलट है यार, 3500 वाली में 6 भी दिए, बोले थे 1.5 घंटा आएगा। सोनी जी भी 1 घंटा तो यार बहुत ज्यादा है यार, इतने में तो हम काफी रास्ता कवर कर लेंगे, तो इसलिए हम कर नहीं रहे। अब क्या कि उत्तराखंड जाएंगे कभी तब कर लेंगे, या फिर कभी आएंगे तब कर लेंगे, टाइम तो है, इतना सारा कवर तो कर दिया, इतने अच्छे अच्छे ब्लॉग आपको दिखा दिए। अब इसमें 1000 वाले में बॉडी वेट की वजह हिसाब से है ना, तो बच्चों बच्चों का तो आला नंबर आया था, वो बच्चे ज़्यादातर दिख रहे थे वहाँ पे, तो कोई नहीं फिर कभी करेंगे। इस बहुत बनता है यार बहुत बनता है यार, मैंने कभी किए नहीं है। एक बार और गया था मैं उत्तराखंड घूमने, तब यार बारिश का सीजन था तो उन्होंने बंद कर रखी थी यार, शेड यार समय ज़्यादा लगा रहा है, मुझे जाना निकलना है ना उसकी, उसको ऑफिस जाना है यार भतीजे को, इसलिए मुझे भी निकलना है, सब का काम है, और अपने पार्टी का भी बहुत काम है यार, फोन आ रहे हैं काफी, चुनाव चल रहे हैं इसलिए शिट। चलो कोई नहीं फिर कभी दिखाएंगे आपको। तो गाइस पहुंच चुके हैं मनाली, तो मनाली से अब निकल रहे हैं हम सीधे, तो देखो ये मनाली से चंडीगढ़ वाला रास्ता है, तो चलते हैं चंडीगढ़ रास्ते में, तो मिलते हैं आपको चंडीगढ़ पहुंच गए हम। इसके साथ एंड करते हैं, तो जो चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि घर बैठे लोग देखें।